Uh, was the comment on my uh, personality development by Manisha YouTube channel? And I can't resist sharing. Uh, there is a child who is writing this comment. It's like a mail she has written. It's me. Sorry, ma'am, but I didn't mention my name. From uh, Sri Veni Madhav. Uh, इट वॉज इंटर कॉलेज दैट आई विजिटेड येस्ट टडे उनको उनका लिखना है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास इलेवेंथ सो वैन यू केम टू आर स्कूल एंड वॉर स्टैंडिंग ऑन स्टेज द फर्स्ट थिंग केम टू माई माइंड वॉज हाउ कॉन्फिडेंट दिस लेडी इज आई मीन आई रियली लव द वे दोस्चर द परफेक्ट टोन ऑफ टॉकंग द वे यू वॉज यू वर पोट्रेंग योर वर्ड्स एंड फीलिंग्स इन अ पॉजिटिव मैनर जस्ट कमेंडेबल मैम मीन्स अ लॉर्ड थैंक यू बच्चा आई विश ये वीडियो आप तक पहुँची एज अ रिप्लाई इसलिए मैं बना रही हूँ just commendable ma'am ma'am let me tell you what is my problem sometimes i even know the answer of questions but i don't be okay i'm not able to stand and tell the answer loudly in the class maybe i'm not so confident so yeah all i want is please tell me the way to feel confident it's really a big problem of course of course but मैं यहां पर बीच में ही आपका कमेंट रीड करना स्टॉप करके एक बात बोलना चाहूँगी आपका प्रॉब्लम डायग्नोस हो चुका है इट्स अ गुड न्यूज़ जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता तब तक आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं ना आपको पता है कि आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया ये प्रॉब्लम है आपके पर्सनालिटी में आपके कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है तो अब उस पर काम किया जा सकता है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू से दिस मैम आई एम फेसिंग अनदर प्रॉब्लम वेन आई डू पब्लिक स्पीकिंग और ऑन स्टेज स्पीच सॉर्ट ऑफ थिंग्स माई एंटायर बॉडी स्टार्ट शिवरिंग एंड आई सडनली स्टार्ट टू फील आई कान डू दिस विच डेफिनेटली पुट अ बैड इम्पैक्ट ऑन द लिसनर्स मैम प्लीज़ डू टेल मी द सोल्यूशन ओके आपने जो सेकेंड प्रॉब्लम बताई उसमें आपने एक नहीं दो प्रॉब्लम बताई ये प्रॉब्लम एक्सेप्टेड है कि आपने कहा कि मेरी बॉडी शिवर करने लग जाती है अफकोर्स वो नर्वसनेस Uh, किसी भी लेवल के कॉन्फिडेंट पर्सन को आप देखोगे उसको होती है थोड़ी बहुत लेकिन वो शिवरिंग के रूप में बाहर नहीं आती अगर हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ कर लेते कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेते हैं है ना बट उसमें जो आपने सेकेंड प्रॉब्लम का पार्ट बी बोला है वो uh, जो है उससे आपको ऑफकोर्स ऊपर आना होगा लिसनर्स को कैसा लग रहा है बैड इम्पैक्ट गुड इम्पैक्ट अभी आप उस स्टेज और उस लेवल पे नहीं हो कि आपको उतना सोचना चाहिए अभी आपको सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा उस पर हम बाद में जाएंगे पहले आप खुद से इम्प्रेस होने की प्रैक्टिस करो दूसरा इम्प्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा कभी कभी ये सोच के कारण आपको शिवर होता है वो सोच के आपको बटरफ्लाइज होती है नर्वसनेस होती है तो उस चीज़ से अपने को ओवरकम करना है ठीक है आई एल बी हैप्पी टू गाइड यू हेल्प यू यू आई एल राइटिंग द रिप्लाई ऑल्सो इन द कॉमेंट ओके